बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर्स, हम आपको बताएंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की क्या इम्पोर्टेंस होती है, इसको स्टैटिस्टिक्स में इतनी इम्पोर्टेंस आखिर हासिल क्यों है, वो कौन सी इम्पोर्टेंस है जिनकी वजह से हम इसको बैकबोन ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं। तो उसमें बड़ी चीदा चीदा खसूसियात जो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, जो बड़ी कॉमन भी है। तो सबसे पहले मैं एक स्टेटमेंट कहना चाहूँगा इसके मतलब कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑक्यूपाइज फंडामेंटल इम्पोर्टेंस एंड सेंट्रल प्लेस इन स्टेटिस्टिक्स। ठीक है, नंबर फर्स्ट पॉइंट, अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इन स्टेटिस्टिक्स कैन बी ओनली हैंडल्ड अंडर द एजम्पशंस ऑफ नॉर्मल लॉ। स्टेटिस्टिक्स में कई ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एजम्पशन के तहत जो है वो हल होते हैं। अगर आपको नॉर्मेलिटी की एजम्पशंस नहीं मिलती है तो फिर वो वहीं पे स्टॉप हो जाते हैं, खड़े रहते हैं, उनकी सलूशन जो है वो फिर पॉसिबल नहीं होती है। तो ये इसको एक एजाज हासिल है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, अ सूटेबल ट्रांसफॉर्मेशन मे मेक द नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल। हम स्टेटिस्टिक्स में क्या करते हैं, जब हम डेटा लेते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि वो नॉन नॉर्मल होता है, तो एक बड़ी प्रॉपर एडिक्वेट रीजनेबल ट्रांसफॉर्मेशन हम करके अपने नॉन नॉर्मल डेटा को या नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मेलिटी में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। द नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मेजॉरिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन अकरिंग इन प्रैक्टिस देयर इज लाइक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, देयर इज लाइक सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोज द नॉर्मेलिटी अंडर फेयरली सिंपल कंडीशन और सिंपल अजम्पशंस। यानी हम, आपको पता है स्टेटिस्टिक्स में हम जो डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं उसमें फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होती है, प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो ये तमाम डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को क्या है, फॉलो करती है। ठीक है, मैनी पॉपुलेशन अकरिंग इन अवर डेली रूटीन लाइफ टेक द फॉर्म एंड शेप अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल। कई ऐसे प्रॉब्लम्स हमारे डेली लाइफ में आते हैं जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप को जो है फॉलो करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल होते हैं। ठीक है, इस तरह आप एज को देख लें, अगर आप एज देखें तो इसकी अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं तो एज की डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मेलिटी को फॉलो करती है कि नहीं करती। अगर आप वेट की डिस्ट्रीब्यूशन ले लें तो वेट की डिस्ट्रीब्यूशन भी किसको फॉलो करती है, नॉर्मेलिटी को फॉलो करती है। अगर आप स्टूडेंट के मार्क्स ले लें, अगर आप स्टूडेंट की हाइट ले लें, तो इस टेम्परेचर को ले लें, तो ये तमाम तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हैं जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेंगी, आपको नॉर्मल का शेप बना के देंगी। ठीक है, और द नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी यूज टू अप्रॉक्सीमेट द बाइनोमियल एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम इस्तेमाल करके बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, करते हैं कि नहीं करते। सेंट्रल लिमिट थ्योरम CLT which is based on normal distribution make possible to draw conclusions results about the populations by making sample studies। ye CLT theorem kis pe depend karta hai, agar hum normal distributions ko nikal le to CLT theorem kya karega, CLT theorem ka kaam hi yahi hai ki agar aapki distribution non normal hai to CLT ke andar itni potential hai, itni qualities hain ki ye aapki non normal distribution ko normal distribution mein convert karke deta hai। तो नॉर्मल में क्यों कन्वर्ट करके दे रहा है, किसी और में क्यों कन्वर्ट करके नहीं देता, इसलिए कि नॉर्मेलिटी की इंपॉर्टेंस बड़ी ज़्यादा है। कई ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो नॉर्मेलिटी के जरिए निगरानी जो है वो हल होते हैं, अदरवाइज आप उसको हल नहीं कर सकते। तो लास्ट पॉइंट ये है, जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, जब हम कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करते हैं, तो उसमें भी जब तक आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की अजम्पशंस नहीं मिलती, ना तो आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर सकते हैं, ना आप कॉन्फिडेंस इंटरवल की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। आपका सारा का सारा स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की मरहूने मिन्नत है। तो हम कह सकते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज इंडिस्पेंसिबल। इज इट क्लियर? तो डियर्स, मुझे उम्मीद है कि ये चीदा चीदा चीफ इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपको मगअप हो गई होंगी, आपने इनको अपने फिंगर टिप्स पे याद रखना है बीइंग अ स्टैटिस्टिशियन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम।